से गाड़ी मूव हो गई थी और सदर कॉर्पोरेशन की गाड़ी आ गई थी। दो गाड़ियाँ पर स्टेज पे यहाँ काम कर रही थी, उन्होंने आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियाँ मंगा ली। अब मजीद गाड़ियों से मुराद यानी कि इस वक्त हमारे पास कार्पोरेट में 11 फायर टेंडर और 2 फायर बाउजर हैं और 1 स्नार्गल और वाटर बोट की मुख्तलिफ वाटर बोट की जो गाड़ियाँ हैं वो मुस्तकिल पानी फराहम कर रही हैं हमें और हादसे के बड़ी पानी की सप्लाई मिल रही है हमें। आग बुझाने में दुश्वारियाँ ये होती हैं कि ज़ाहिर ये बेसमेंट के मामला थे, बेसमेंट को इन्होंने अपने वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अब उसमें दाखिली रास्ते और खारजी रास्ते बेसमेंट में जो नहीं है तो उसमें मुश्किल का सामना हो रहा है। हम कॉन्क्रीट वाल को तोड़ते हुए दाखिल भी हो रहे हैं, आग भी बुझा रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है, कूलिंग भी हो रही है, फायर फाइटिंग भी हो रही है और रेस्क्यू भी हो रही है। रेस्क्यू टीम भी यहाँ पहुँची हुई है, रेस्क्यू अपना काम कर रही है, फायर फाइटर अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, पानी की किल्लत का कोई सामना नहीं है। वाटर बोट हमें हादसे के बड़ी ट्रक सप्लाई दे रही है। फौरी तौर पे आग लगने की क्या वजह है? ये अभी फौरी नहीं, इंतज़ाम नहीं है इनका, मजीद हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट एड तो हर एक के पास होती है लेकिन बड़े पैमाने पर मेरा ख्याल है इस पर नहीं है। मजीद ये आग बुझने के बाद हम इसको सर्वे कर लेंगे। टाइमिंग बताइएगा आग की, कितने बजे आग लगी? ये तकरीबन आग तकरीबन 11:15 के वक्त है, सही वक्त का टाइम मुझे कंट्रोल रूम से लेना पड़ेगा। आग लगने की वजूहत बताइए। नहीं, आग लगने की वजूहत ये है कि इंतजाम ना होना जो है। आग तो हमेशा इंसान के अपने साथ में लाइटर की शक्ल में, माची की शक्ल में भी जेब में रखी हुई होती है आग, लेकिन उसका इंतजाम होता है हर चीज़ का। तकरीबन ये है कि 60-70% हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है, बाकी जो है दाखिली रास्ते हमें क्लियर होते जाएंगे उसको भी हम क्लियर कर देंगे। बताइएगा नुकसान होगा? देखें, फायर आग लगने से इमारत का स्ट्रक्चर मुतासिर ज़रूर होता है लेकिन अभी ये इस कंडीशन में नहीं है कि इसको कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन अगर इसी किस्म के एक दो वाक्य इसी जगह पर अगर दोबारा होगा तो फिर स्ट्रक्चर नुकसानदेह हो जाएगा। अच्छा मुबीन भाई, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अंदर किस किस्म का सामान रखा हुआ है, वो केमिकल वगैरह है, क्योंकि फोम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, असल में इंसानी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें जो है मैसर होती हैं, जिसको ख़रीदना होता है वो तमाम चीज़ें यहाँ दस्तियाब हैं। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं आई है कि स्प्रे वगैरह जो होते हैं वो उसके कार्टेज फटते हैं, ज़ाहिर है उसमें एल्कोहल वगैरह होता है, स्प्रिट होता है, शैम्पू है, ये सब चीज़ें आज पकड़ने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, शुक्रिया।